सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का दम भरती नहीं थकती हो, लेकिन रेवाड़ी जिले में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या सीएचसी और पीएचसी पर बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे मिलेगी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है या फिर जिला अस्पताल में आकर खाली चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फिर भी मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर पूरे जिले की बात करें तो यहाँ एक जिला अस्पताल के अलावा एक सब डिविजनल अस्पताल, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 107 उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो जिले की जनसंख्या के मुकाबले काफ़ी कम है। ऊपर से इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की कमी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों की भी भारी कमी है, जो कि इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सरकार दिन रात प्रचार करे कि हम एजुकेशन और हेल्थ को बड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं, पर वास्तविकता ये है कि सरकार शिक्षा से और हेल्थ से पीछा छुड़ाना चाहती है। इस पर वर्तमान सरकार को 2 साल का समय हो गया, पर हमारे 50 नाम का बिस्तर का कौशलम अस्पताल है, पर वो पीएससी से पूरा है, वहाँ कोई इसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। इतना विशाल भवन है, सारी सुविधाएं हैं, एक SMO है वहाँ बावल, जनता को सारी परेशानी है। जब सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में नहीं होंगी तो प्राइवेट अस्पतालों में जीव कटवाएंगे। इलाज तो एक ऐसी चीज़ है जो इसका हम डिले नहीं कर सकते। इलाज एक सबसे ऐसी चीज़ है जिसको हम डिले नहीं कर सकते। और चीज़ को हम डिले कर सकते हैं, रोटी खाए बगैर एक दिन रह सकते हैं और काम है, पर इलाज तो हमें तत्काल कराना पड़ता है, तुरंत करवाना पड़ता है। ठीक, उसकी सुविधाएं हमारे ही जिले में बिल्कुल ना के बराबर है। नाम मात्र ऐसा है, सबसे पहली बात तो यहाँ हॉस्पिटल में है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और फिलहाल तो जो बुखार के केसेस हैं उनकी वजह से भी संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर्स जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उससे भी आधे डॉक्टर मुश्किल से अवेलेबल हैं। कई प्रकार की सुविधाएं इस अस्पताल में नहीं हैं, जिससे मरीजों को लाचारी में, मजबूरी के अंदर बाहर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहाँ के वो रेट बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट हैं, वो वहाँ जेब कटवानी पड़ती है। तो नहीं, गवर्नमेंट की जो बातें हैं वो सिर्फ अखबारों में तो लगती है कि सुविधाएं दे रहे हैं, विद साहब बोल देते हैं, ट्विटर पर भी आ जाती है, पर धरातल के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई सुविधाएँ बढ़ी है अस्पतालों के अंदर। आप किसी भी अस्पताल का जाकर अगर दौरा करेंगे तो आपको लगेगा कितने मरीजों की लाइन पर लाइन, आपको लंबी लंबी लाइनें दिखाई देगी, और दिन भर वो बैठ कर, कई मरीज तो दिन भर बैठ कर वापस चले जाते हैं, उनको सुविधा मिल ही नहीं पाती। तो नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कूड़ा वगैरह सब कुछ हो जाता है, डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, आते हैं तो डॉक्टर तो मिलते ही नहीं है। तो 50 बेड का हॉस्पिटल और कितने डॉक्टर और कितने सफाई कर्मचारी? डॉक्टर तो गिनती की होगी 2-4 बस, वो भी कभी कभी मिलते हैं और इसके अंदर कोई सुविधा नहीं है जी, ना तो डॉक्टर टाइम पे मिलते हैं। जो और दिन भी देखा था कि कोई डॉक्टर ही नहीं मिलता, घर से बुला के लेना पड़ता है, मरीज जाते हैं चक्कर काट चले जाते हैं। जैसे एक्सरा मशीन है, उस ऑफिस के अंदर कभी डॉक्टर मिलता है नहीं, तो CMO ऑफिस SMO ऑफिस में बैठा मिलता है, चक्कर काट के चले जाते हैं। पीछे मैंने लिख के दिया था, RTI भी लगाई थी, उसने RTI देने में SMO पाए। हमारे जिले में 5 तो हमारी CHC है, 1 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 13 PHC। आइडियली जो CHC है उसमें 4 से 5 डॉक्टर्स, 1 SMO, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, LHV, स्टाफ नर्स, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ डॉक्टर्स की संख्या में कमी है, इसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी जो सरकार है उनको भी इस बारे में संज्ञान है और वो सभी कोशिश कर रही हैं, और कोशिश ये है कि हर PHC पे कम से कम 1 डॉक्टर रहे, क्योंकि हमारी कुछ PHCs हैं जहाँ पे कि डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र होगी और अभी तक कोई दूसरा डॉक्टर नहीं आया। हमने किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने दी, हमने सिविल हॉस्पिटल से, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास कुछ एडिशनल मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, उनको डेप्यूट करके कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार ये कर रही है कि जो भी डॉक्टर्स की जहाँ जहाँ भी कमी है उन कमी को पूरा करके और ठीक किया जाए। जैसे बावल CHC है और जो सब डिविजन हॉस्पिटल है कोसले में, उनमें 3-3 या 2-2 डॉक्टर ही मैज हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, तो
ऐसे तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं रही है, वहाँ पे परेशानी हो रही है लोग। जो आपका जीएच है, जीएच में ही उनको भागना पड़ता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमने डेपुटेशन कर रखी है डॉक्टर्स की, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे ही जो भी डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो फिर हम बहुत अच्छे से उनको सेवाएं दे सकेंगे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए।